गया साइबर क्राइम पर एक बड़ा खुलासा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लखनऊ के कृष्णानगर की, जहाँ पे साइबर क्राइम को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नीलाब्जा चौधरी द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें साइबर क्राइम में अपराधियों द्वारा आधार कार्ड से क्लोन बनाकर अकाउंट से रुपये निकाले जाते थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे भूलेख कर सरकार की एक वेबसाइट होती है, जिसके द्वारा उन्होंने लोगों के आधार कार्ड से क्लोन बनाया और उस क्लोन के द्वारा उनके खाते से रुपए निकाले गए। इसमें दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है व अन्य की तलाश जारी है। एक मामला है और हम सबको सतर्क कर देने वाला एक घटना है। ये मुकदमा 53/2021 थाना कृष्णनगर में पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो ग्राहक है, मतलब जो आवेदक थे, उनके कैनरा बैंक अकाउंट से लगभग 50,000 रुपये की निकासी हुई थी, ऑनलाइन निकासी हुई थी और आधार वेरिफिकेशन के सिस्टम के माध्यम से निकासी हुई थी। इसके संबंध में छानबीन चालू किया गया और साइबर टीम जो लखनऊ कमिश्नरेट के हैं और एसीपी साइबर क्राइम के निर्देशन में बड़ा कुशलता से इस मामले के तह तक पहुंचकर दो अभियुक्तों को इनने गिरफ्तार किया, जिनमें सर्वप्रथम देवेंद्र कुमार मौर्य, पुत्र चंद्रदेव मौर्य, निवासी ग्राम ताहीपुर पोस्ट सरूपहा थाना देव गांव जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष, और रमेश कुमार पुत्र हौसीलाल, निवासी ग्राम अमरौना थाना चंडवक जनपद जौनपुर, उम्र करीब 35 वर्ष। इन दोनों द्वारा ये जो है ऑनलाइन फ्रॉड की घटना कारित की गई और इनका जो सिस्टम था ये बहुत ही मतलब जिसको क्या कहा जाए इंडिजिनस और मतलब बहुत सिंपल और कारगर इस रूप से किया गया। इनने पूरे सरकारी पोर्टल्स और सरकारी वेबसाइट्स जहाँ जहाँ पर ग्राहकों की बायोमेट्रिक्स, जिसमें प्रमुखता से जो थंब इम्प्रेशन हम लोग दिया करते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड थंब इम्प्रेशन के माध्यम से हम लोग अपना वेरिफिकेशन कराते हैं या गवाही देते हैं या रजिस्ट्री कराते हैं, उसको ये लोग पिक किए और उसके बाद उसी का जो एग्जैक्ट थंब इम्प्रेशन एक स्पेशल टाइप के मटेरियल है उसमें एक मशीन द्वारा बनवाया और फिर उस उनके पैन नंबर के साथ जुड़ा हुआ जो भी बैंक खाते थे उनको ट्रेस किया और उन खातों से निकासी की और वेरिफिकेशन के तौर पर अपना आधार डाला और आधार के अनुसार वो बायोमेट्रिक उनने वहीं मशीन में फीड कर दिया, ऑनलाइन बायोमेट्रिक, और तब निकासी होने लगी और अलग अलग खातों से अलग अलग समय में इन लोगों ने निकासी करते चले गए। एग्जैक्ट कितना अमाउंट इनने किया है ये तो अभी ज्ञात करना शेष है, विवेचना का बिंदु है। 6 से 7 लाख रुपए की जो ट्रेल है वो हम लोगों को मिला है और आगे भी हम लोग इसमें और कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक विचारणीय बिंदु है कि आजकल अपराधियों द्वारा सरकारी वेबसाइट पे जाकर जो पब्लिकली अवेलेबल बायोमेट्रिक्स है उसको एक्सेस किया जा रहा है। हम लोग इस जो बिंदु को संबंधित विभाग जैसे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग उनके संज्ञान में भी लाएंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि इसको भी आप लोग भी अपने माध्यम से मतलब प्रचारित प्रसारित करें कि बायोमेट्रिक्स देते समय लोग सावधानी रखें और उनके बायोमेट्रिक्स कभी भी कंप्रोमाइज होने की एक खतरा बना हुआ रहता है और जब आधार के लिंकेजेज हो तो केवल एक वेरिफिकेशन, एक लेवल के वेरिफिकेशन ना रखें, कम से कम 2 या 3 लेवल के वेरिफिकेशन रखें जिससे कि उनकी धन की सुरक्षा हो सके। इस कार्य हेतु जो प्रमुखता से जिनने इसमें कार्य किया है उसमें सम्मिलित टीम के प्रमुख सदस्यों के नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिसमें प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार दुबे थाना कृष्णनगर, उप निरीक्षक अरुण कुमार थाना कृष्णनगर और उप निरीक्षक सौरभ मिश्रा, हेड कांस्टेबल राममूर्ति सिंह, हेड कांस्टेबल फिरोज, हेड कांस्टेबल शरीफ, कांस्टेबल मनमोहन सिंह प्रमुखता से ने काम किया, कांस्टेबल अखिलेश, कांस्टेबल संतोष एवं कांस्टेबल सुनील कुमार, ये सभी साइबर क्राइम
टीम के सदस्य हैं और एसीपी साइबर क्राइम से इसमें बड़ा कुशल निर्देशन रहा है। ये हम लोग आशा कर सकते हैं कि इसके खुलासे के साथ साथ हम लोग आगे और भी ऐसे जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं इसके तह तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेंगे। योगेश दीक्षित जिन्हें थाना कृष्णनगर पर अभियोग पंजीकृत कराया था, इनके कोई साथी फरार भी नहीं थे? अभी ये विवेचना के बिंदु है, अभी वर्तमान में केवल इन्हीं दोनों का एक दूसरे एक साथ काम करने के मतलब वो सबूत पाए गए हैं, परंतु इनके साथी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग आगे इस पर विवेचना के बिंदु बनाते हैं, इसमें आगे करेंगे। इन पैसों का इस्तेमाल करते थे? ये पैसे का अलग अलग इस्तेमाल करते थे, अपने खर्च में लेते थे और शराब और अन्य चीज़ों पे इस्तेमाल करने की प्रमाण मिले हैं, परंतु पूरे पैसे कहाँ गए और कितने पैसे इनने अलग अलग अकाउंटों से हड़प लिया है ये अभी विवेचना का बिंदु। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी और जो दूसरी बात है ये डेटा कैसे बायोमेट्रिक डेटा इनको कैसे एक्सेस हुआ, अगर किसी गवर्नमेंट में ऑफिस से इन्होंने एक्सेस कैसे किया, क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा विदाउट सर्वर और विदाउट ऑथराइजेशन कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ये एक विचारणीय बिंदु है कि देखिएगा कि स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग में जितने सारे रजिस्ट्रीज हैं वो ऑनलाइन सबको विजिबल है, ठीक है, किसी नाम से अगर आप अल्फाबेटिकली सर्च करेंगे तो उस नाम के अंतर्गत रजिस्ट्रीज आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी रजिस्ट्री को पिक करते थे उसमें रजिस्ट्री के पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड रहते हैं और उसी में थंब इंप्रेशन फोटो की फोटोकॉपी रहती है, जो क्लियर इंप्रेशन होते थे उसको लोग पिक कर लेते थे। उसी में नॉर्मली आदमी अपना आइडेंटिफिकेशन पैन कार्ड से कराता है, तो पैन कार्ड या आधार कार्ड भी लिंक्ड होते हैं, तो वो पैन कार्ड मिल जाता था, उस पैन कार्ड के साथ संबंधित जितने बैंक अकाउंट है उसको लोग सर्च कर लेते थे और उसके बाद उन बैंक अकाउंट से धीरे धीरे पैसे की निकासी कराते थे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बीए पास है और एक 12th पास है, तो ये आप समझ सकते हैं कि बड़ी हैरानी की विषय है कि इतने कम क्वालिफिकेशन पे भी इन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया और बड़े अचूक तरीके से इनने पैसे लोगों के अकाउंट से निकासी कराए। अभी तक करीब 6 या 7 लाख रुपए की ट्रेल जो है हमारी टीम को मिल पाया है, मतलब कि अलग अलग अकाउंट से, और इनके पास अनगिनत आधार और अनगिनत बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट की बायोमेट्रिक्स उपलब्ध थे वो बरामद हुए हैं और आगे भी इन लोग इसके माध्यम से कितने और घटनाएं कारित करने जा रहे थे ये एक विचारणीय बिंदु। इससे पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी प्रकाश में नहीं आई है।